तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वाली वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज मैं अपना दोपहर में ऑनलाइन क्लास कर रहा था और काफ़ी बोर हो चुका था ऑनलाइन क्लास करते करते फ़ोन में। तभी मेरे दिमाग में एक ख़तरनाक सा आइडिया आया, क्यों ना खान सर को बनाया जाए, क्योंकि उस टाइम खान सर का ही वीडियो चल रहा था और खान सर का फ़ैन बेस भी कुछ ज़्यादा ही है बच्चों के मन में, क्योंकि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से ये बता देते हैं। सबसे पहले हम इनकी आउटलाइन को रेडी करेंगे एकदम से हल्के हाथ से, मतलब एकदम आउटलाइन एकदम हल्के हाथ से होना चाहिए, तभी एकदम बेस्ट बनने वाला है। तो ये रहा आउटलाइन, मैं कट लगा के वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। आउटलाइन रेडी हो चुका है। अभी हम HB 10B पेंसिल से जो आँख का जो तुम डार्क एरिया है, मतलब सबसे ज़्यादा डार्क एरिया है, उसको हम बनाएंगे। उसके बाद हम आँखों के जो ऊपर भौं होते हैं आईब्रो, उनको बनाएंगे। तो आईब्रो को बनाने के लिए हमें हल्के हाथों से डार्क पेंसिल से, किसी 10B 8B कोई भी हो उससे हम करेंगे। उसके बाद हम 4B पेंसिल से थोड़ी बहुत जो हेयर्स इधर उधर हैं उनको हम निकाल देंगे। उसके बाद सेट करेंगे, सेट करेंगे हम कोई 4B पेंसिल या फिर कोई डार्क पेंसिल, डार्क एरिया पर डार्क पेंसिल, एंड जो हल्की एरिया है उसको हम हल्की पेंसिल यूज़ करेंगे। एंड पूरे फेस पे हो सके तो आप 2B पेंसिल यूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद ब्रश से ब्लेंडिंग, प्रॉपर ब्लेंडिंग एकदम गजब से। डार्क एरियाज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ डार्क एरिया होती हैं, कौन कौन सी हल्की एरिया होती हैं। अगर आप चाहोगे तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। उसके बाद हम नोज़ वाले एरिया को कवर करेंगे। यहाँ पर जो डार्क एरिया है उसको हमने 8B पेंसिल से किया है, और उसके बाद जो डार्क एरिया इनकी जो मतलब नाक के साइड का है ना हिस्सा डार्क, उसको भी मैंने 6B पेंसिल से किया हुआ है। एंड देन हम इसको ब्रश से ब्लेंड करेंगे, एंड आधे से ज़्यादा फेस हो चुका है मतलब। इसके बाद हम मूँछों को बनाएंगे, तो मूँछों को बनाने के लिए हमें सबसे पहले 8B पेंसिल से थोड़ी बहुत उसका स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। उसके बाद 6B पेंसिल से थोड़ी बहुत हेयर्स निकाल देंगे। एंड उसके बाद हम लिप्स को रेडी करेंगे। तो लिप्स को रेडी करने के लिए हमें कोई 3B पेंसिल हो, 4B पेंसिल हो, उस काम चल जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो ओंठ के नीचे का साइड है, दाढ़ी का साइड, जिनकी दाढ़ी होती है उनकी दाढ़ी होती है, उनके बाल मतलब वहाँ पर बनाना है, और जिनकी दाढ़ी नहीं होती वहाँ पर थोड़ा डार्क आप बना सकते हो। उसके बाद हम पूरी जो दाढ़ी है उसको हम कवर करेंगे 8B पेंसिल से, उसके बाद 6B, एंड जो वाइट एरिया बचेगा उसको हम ब्लेंड कर देंगे ब्रश से, ओके। तो अभी लिप्स तैयार करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, लिप्स तैयार हो चुका है। अभी हम दाढ़ी वाला साइड बनाते हैं। तो आपको पूरे फेस में ना जो स्किन टोन है उसका आपको बेहद ख्याल रखना है, क्योंकि स्किन टोन ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। कोई बंदा काला है तो उसको उस हिसाब से उसी ग्रेड की पेंसिल यूज़ करो, और जो कोई गोरा आदमी है तो उसको उस ग्रेड से उसी ग्रेड से पेंसिल यूज़ करो। एंड नीचे की साइड जो दाढ़ी का है उसको हमने डार्क पेंसिल यूज़ किया है, एंड ऊपर थोड़ी सी हल्की, यानी कि नीचे 8B एंड ऊपर 5B आप यूज़ कर सकते हो, 6B यूज़ कर सकते हो। एंड बेहद हल्के हाथों से हमने इनकी जो दाढ़ी है उनको हमने तैयार कर दिया है। एंड उसके बाद हमने ब्रश का एक लेयर मार दिया है, बिकॉज जो वाइट एरिया है वो कवर हो जाए। उसके बाद हम आउटलाइन को थोड़ा सा और डार्क करेंगे,
एंड अब बारी आती है बालों की। तो बाल बनाने के लिए अगर आपको नहीं पता है बाल कैसे बनाते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ला सकेंगे। तो तब तक हम बाल बना रहे हैं, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। चलो सब्सक्राइब करो, 1 2 3 सब्सक्राइब करो। तो भाई बाल बन के रेडी हो चुका है और अब हम दोबारा से कोई डार्क एरिया है तो उसको मेजरमेंट कर लेंगे कैसा है डार्क एरिया। एंड अब आता है नेक वाला साइड, तो नेक के नीचे भी थोड़ा सा बाल होता है दाढ़ी का, तो उसको हम कवर कर लेंगे। एंड इसके बाद कान वाला साइड, कान को हम स्किन टोन से मैच कराएंगे। एंड इसके बाद हम इनके ड्रेस को बनाएंगे। एक टीचर का ड्रेस एकदम से सिंपल होता है, एक शर्ट होती है बस, तो शर्ट को हम वाइट ही रखेंगे बट थोड़ी बहुत सेड करेंगे। तो अब आप सेड कर सकते हो इतना, अगर आप इतना तो जान ही सकोगे, तो हम वीडियो कट कर देंगे उतना। एंड हैंड, अब जो हैंड की जो स्किन है ना वो फेस से मैच करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फेस से मैच ना करे। एंड मार्कर इनका जो स्टडी मार्कर, और ये रहा मेरी साइन, और ये रहा फाइनल ड्राइंग। तो आपको इस ड्राइंग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, एक छोटा सा लाइक है, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ओके बाय।